हम एक छोटा सा लॉजिक समझना है कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेस और बाकी लेटर्स काउंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा, साइज आप बढ़ा भी सकते हैं, और हम उस स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट कर लेंगे। माना कि डेटा हमें दिया गया है ए के जेन, हमें काउंटर डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें काउंट करें। तो मैं अल्फ़ाबेट्स काउंट करने, डिजिट्स काउंट करने, स्पेसेस काउंट करें और बाकी लेटर्स काउंट करने हैं। तो रूल कहते हैं कि जो जो चीज़ें काउंट करनी है उनके वेरिएबल्स आप इनिशलाइज कर लीजिए। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एंड होती है स्लैश जीरो से, तो हम एक लूप परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमें स्लैश जीरो ना मिल जाए। तो पहली बार एक लूप जीरो है जहां पे मिला हमें ए, जो कि स्लैश जीरो नहीं है। अब इन में से ये कुल अल्फाबेट है, तो उस कारण से ए को प्लस प्लस कर देंगे, बाकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। आई क्यू रहेगी वन, हमें वन पे मिला डॉट। अब डॉट स्लैश जीरो नहीं है, अल्फाबेट डिजिट और स्पेस ये नहीं है, तो ये अदर लेटर्स में काउंट होगा। आई क्यू हो जाएगी टू, हमें मिलेगा के, स्लैश जीरो नहीं है लेकिन के इज अल्फाबेट, तो उस कारण से अल्फाबेट में प्लस प्लस हो जाएगा, बाकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। हमें थ्री पे मिलेगा स्पेस, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्पेस है, तो ये अल्फाबेट को मैच नहीं करेगा, डिजिट को मैच नहीं करेगा, ये स्पेस को मैच कर जाएगा, इस कारण से स्पेसेस में प्लस प्लस। अब इसी तरह से बाकी जो लेटर्स है वो भी सेम ऐसे ही वर्क करेंगे। तो अब समझ चुके हैं कि इसकी हम प्रोग्रामिंग करें। हमें कहा गया कि हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीजर साइज, जिससे कि हम फ्यूचर में इंक्रीज या डिक्रीज कर पाए। अब मैं कहा गया कि हमें स्ट्रिंग इनपुट करें, तो हमने स्ट्रिंग इनपुट कर दी। तो मैं लॉजिक के हिसाब से चल रहा हूँ कि पहले हमने स्ट्रिंग बनाया, फिर उसे गेट किया, फिर हमने इनपुट किया। अब हम एक लूप परफॉर्म कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेके एन आई नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो आई प्लस प्लस। अब हमें कंडीशन देनी है, तो कंडीशन क्या देनी है कि एन आई या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में हो। या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में हो। तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम अगर एक कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है, तो उस केस में अल्फाबेट्स में प्लस प्लस। हम चाहे तो उसी लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम लिख देते अल्फाबेट प्लस प्लस। अब एल्स इफ अगर एन आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड एन आई लेस देन इक्वल टू नाइन है, यानी जीरो से लेकर नाइन के बीच में है, तो उस केस में डिजिट प्लस प्लस। एल्स इफ अगर एन आई स्पेस है, ये स्पेस हमने दिया हुआ है, तो उस केस में स्पेस प्लस प्लस, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ हो तो उस केस में अदर्स प्लस प्लस। अभी लूप एंड हो गया, एंड ऑफ लूप। फाइनली में फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी होगी, प्रिंट एफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी थी अल्फाबेट्स की, डिजिट्स की, स्पेसेस की और अदर लेटर्स की। अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, अभी हमने लॉजिक को फॉलो किया है, लेकिन हम जानते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो वही हमें यहाँ फॉलो करना होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि हम बाद में ऐड कर सकते हैं। हमें मेन फंक्शन इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। कुछ और भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किन को डिफाइन करना होगा, तो क्या क्या यूज़ किन में अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया है, डिजिट्स यूज़ किया है, स्पेसेस यूज़ किया है और अदर्स यूज़ किया है। अगर फ्यूचर में आपको कुछ और भी काउंट करने के लिए कहा जाए,
तो आपने भी डिफाइन करेंगे। अब हम यूजर फ्रेंडली मैसेज देना चाहेंगे, एंटर अ स्ट्रिंग और फिर गेट एस। इंडेंटेशन काफी हेल्पफुल होती है, जैसे कि मैच कर पाते कि हमारे प्रोग्राम में सब कुछ ओके है या नहीं। तो अब तक तो सब हमें ओके दिख रहा है। हमने यहाँ पे कहा रिटर्न जीरो और ये कर्ली ब्रेसेस। अब इस प्रोग्राम को हम चेक करना चाहेंगे, ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसे कंपाइल किया जाए। कुछ वेरिएबल्स हमने डिफाइन कम किए हैं इसलिए एरर आ रहा था। अब ओके है, अब इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रिंग एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ए की जेन। तो सिस्टम कह रहा है कि इसमें अल्फाबेट 6 हैं, डिजिट्स 0 हैं, स्पेसेस 1 हैं और अदर्स भी 1 हैं। अब हम कोई एड्रेस टाइप कर रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसमें वो कहता है गली नंबर 420। तो गली नंबर 420 में अल्फाबेट्स हैं 6, डिजिट्स हैं 3, दो बार स्पेस आया है और अदर लेटर्स 1 आया है। अब हमारे कई फ्रेंड्स पासवर्ड के बारे में कह रहे थे, सर पासवर्ड में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यही कंसेप्ट पासवर्ड के प्रोग्राम में भी आप यूज़ कीजिएगा। जैसे आपको कंडीशन देने की एटलीस्ट 6 अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो 6 अल्फाबेट्स तो हैं ही हैं। स्पेसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि पासवर्ड में स्पेसेस अलाउड नहीं है। एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए और कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो कुछ दिन पहले आपको जो मैंने पासवर्ड का प्रोग्राम बनाया था उसमें आप इन कंडीशंस को ऐड करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का प्रोग्राम दे सकते हैं। कैसे? आप कुछ ऐसे से कंडीशन देंगे पासवर्ड में, फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप देंगे इफ अल्फा लेस देन 6 और डिजिट्स इक्वल टू 0 और स्पेस इक्वल टू स्पेस ग्रेटर देन 0 और अदर इक्वल टू 0। हम सिस्टम से करें, सिस्टम अगर अल्फाबेट्स लेस देन 6 हो, डिजिट्स ना हो, स्पेसेस आ गए हो या अदर कैरेक्टर्स ना हो, तो उसके इसमें हम कहेंगे इनवैलिड पासवर्ड या वीक पासवर्ड। इट शुड हैव एटलीस्ट 6 अल्फाबेट्स। One or more digit, no space, and at least one symbol. तो आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन कोई अकाउंट बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का मैसेज दिखता है। तो भविष्य में आप इस तरह से लॉजिक लगा के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कंसेप्ट डिजाइन कर सकते हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम सीखा फ्रीक्वेंसी काउंट करने का, उसी की तरह दो प्रोग्राम्स और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे।
एक ही स्ट्रीम कंप्रेशन जिसमें हम कुछ इस तरह का इनपुट लेते हैं, जैसे हमने इनपुट किया ए ए ए बी बी सी सी, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कितने ए सक्सेसिव हैं, यानी एक साथ है 5 times, तो ये ए 5 होना चाहिए। कितने बी एक साथ हैं, इसको एक और बढ़ा देते हैं, तो बी 6 है और सी 3 है। तो हम देखते हैं कि मार्केट में कई कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर साथ हैं जो इमेज को या टेक्स्ट को कंप्रेस करते हैं, तो जो कंप्रेस करते हैं वो इस फॉर्म में कंप्रेस करते हैं। अब इस वीडियो को आप इंग्लिश में, हिंदी में या सिंधी में जिस भाषा में देखना चाहे देख सकते हैं। ऐसे काउंट अकरेंस ऑफ ईच लेटर, जैसे हमने इनपुट किया दोस्तों मिसिसिपी, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एम में एक ही बार मिला पूरे स्ट्रिंग में, जबकि आई हमें कितनी बार मिला है 4 times, हमें एस कितनी बार मिला है 4 times और पी कितनी बार मिला है 2 times। तो हमारी स्ट्रिंग में जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, उन लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को हमें काउंट करना है। अब हम एक प्रोग्राम बनाना चाहेंगे दोस्तों स्ट्रिंग कॉपी का, लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें स्ट्रिंग टू डैश का strcpy फंक्शन यूज ना हो। देखें कैसे से अचीव करना है। हमेशा की तरह पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जो भी आप नाम देना चाहें, जो भी साइज देना चाहें दे सकते हैं, और फिर हम यूजर से एक स्ट्रिंग गेट कर लेंगे। माना कि स्ट्रिंग है जय, अब हमें कॉपी करना है तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए। से कैरेक्टर एम एग्जैक्टली उसी साइज का। अब हम चाहते कि अभी ये एम एम्प्टी है, लेकिन हम चाहते कि जो भी एन में डेटा है वही एम में भी आ जाए। अब यहां पे इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3, यहां पे भी इंडेक्स होगा। हमें एक लूप परफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रेवर्स स्ट्रिंग अप टू स्लैश 0। तो हमें एक वेरिएबल आई चाहिए, हर बार हम एन का आई फाइंड करेंगे। क्या ये नॉट इक्वल टू स्लैश 0 है? अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में लिख देंगे कि एम के आई में एन का आई आ जाए और फिर आई प्लस प्लस, तो इससे कॉपी हो जाएगा। देखें कैसे ये वर्क कर रहा है। तो पहली बार आई 0 और 0 पोजीशन पे जे है जो कि स्लैश 0 नहीं है, तो एम के 0 में आ जाएगा जो एन का 0 है, यानी जे आ जाएगा, तो यहां पे जे आ जाएगा और आई बढ़ के हो जाएगा 1। हमें 1 पे मिला ई जो कि स्लैश 0 नहीं है, तो एम के 1 में आ जाएगा ई, आई हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम आई 2 है लेकिन 2 पे कैरेक्टर है आई जो कि स्लैश 0 नहीं है, तो एम के 2 में आई आ जाएगा, तो यहां आई आ जाएगा और आई बढ़ के हो जाएगा 3। अब हमें मिला 3 पे स्लैश 0, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टॉप हो गया, तो मतलब कंप्यूटर यहां गया ही नहीं,
तो क्या मिसिंग है? स्लैश जीरो मिसिंग। तो यही तो हमें मेन कैंपस में काम आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली जहां पे लूप रुका है वहां मैन्युअली स्लैश जीरो इंसर्ट करना पड़ेगा, मैन्युअली इंसर्ट स्लैश जीरो। तो हम सिस्टम से कहेंगे, सिस्टम अभी आई जहां रुका है वहां पे स्लैश जीरो कॉपी हो जाए। तो हम जानते कि आई कहां रुका है, थ्री पे, तो यहां स्लैश जीरो कॉपी हो जाएगा। हमने कुछ दिन पहले पासवर्ड का प्रोग्राम बनाया था, पासवर्ड के प्रोग्राम में भी हमने स्लैश जीरो कॉपी किया था मैन्युअली। नहीं कॉपी करेंगे तो जय प्रिंट होगा, लेकिन जय के साथ जो जंकी डेटा है वो जंकी डेटा भी प्रिंट होगा, जबकि हम चाहते हैं कि जंकी डेटा प्रिंट ना हो, तो हमें मैन्युअली स्लैश जीरो इंसर्ट करना होगा। अब दोस्तों हमने लॉजिक सीखा कि कैसे इस प्रोग्राम को हमें डिजाइन करना है, तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग कहा गया है और एक दूसरी स्ट्रिंग एम। हम मान के चलते कि m और n की जो साइज है वो 20 है। आप इसे घटाया बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है जो कि हमें n में इनपुट करनी है लॉजिक के हिसाब से। तो पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, फिर उस स्ट्रिंग को गेट कर लिया। अब हमें ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है, तो ट्रेवर्सल हम पहले भी कई बार परफॉर्म कर चुके जो हमने लेंथ फाइंड की थी। तो जितनी भी हमने स्ट्रिंग के एग्जांपल सीखे सभी में कंसेप्ट आया हुआ है। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेके जब तक कि एन के आई में स्लैश जीरो ना आ जाए हमें ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है। और सिस्टम से हम रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम जो भी एन आई का डेटा हो वो असाइन हो जाए एम आई को। तो जो जो डेटा एनआई में होगा वही एमआई में आ जाएगा, एक्सेप्ट स्लैश जीरो, मैन्युअली इंसर्ट स्लैश जीरो वेयर आई एंड्स। तो जहां आई रुका है वहां पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा स्लैश जीरो को। तो एम के आई में हमें स्लैश जीरो यहां इंसर्ट करना होगा। कैंपस में पूछा था आस्की वैल्यू ऑफ स्लैश जीरो, जीरो, तो जीरो होती है। तो हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, एम का आई इक्वल टू जीरो, तो ऐसे भी वर्क कर जाएगा और ऐसे भी वर्क कर जाएगा क्योंकि हम आस्की कोड का यूज कर रहे हैं। अब हम प्रिंट करना चाहेंगे डिस्प्ले ओरिजिनल एंड कॉपीड स्ट्रिंग। तो हमने कहा प्रिंट एफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंट एस, क्योंकि स्ट्रिंग है, और कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंट एस। तो पहले एन प्रिंट होगा और फिर एम प्रिंट होगा, रिटर्न जीरो। अब हमेशा की तरह मेरी कुछ चीजें यहां पे ऐड करनी होंगी, तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो प्रोग्राम हमने डिजाइन कर लिया है, इसे रन करके देखा जाए।
इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो हमने कहा दोस्तों बिल गेट्स, सिस्टम बता रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग भी बिल गेट्स थी और जो कॉपीड स्ट्रिंग है वो भी बिल गेट्स है। अब दोस्तों इसी प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं। अब हमें कभी कभी एक्स्ट्रा लॉजिक कहे जाते हैं, हमें कहा जाता है कि हमें कॉपी तो करना है लेकिन अपर केस में कॉपी करना है। तो एडिशनल लॉजिक फॉर अपर केस कॉपी, तो हम कंडीशन देंगे कि कहीं एन आई स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच तो नहीं है। अगर स्मॉल आई से स्मॉल जेड के बीच में है दोस्तों, तो उस केस में एम आई इक्वल टू एन आई माइनस 32, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोअर केस लेटर्स में से 32 माइनस करने पे अपर केस लेटर बन जाता है। तो कंक्लूजन निकला कि अगर मैं इन लाइंस को हटा दूं तो ये ओरिजिनल हमें जो प्रोग्राम बना था वो प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कंडीशन ऐड कर दूं तो कॉपी तो होगा लेकिन अपर केस में कॉपी होगा। तो जब आप लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो इस इतने पोर्शन को बॉक्स में रखिएगा जिससे कि दो बार आपको प्रोग्राम ना लिखना पड़े। ये प्रोग्राम है तैयार, इसे कंपाइल कर लेते हैं, कुछ एरर से देख लेते हैं क्या एरर है। ब्रैकेट्स यहां पे मिस्टेक हो गई, एक्चुअली लूप में कुछ डिलीट हो गया है। अब ओके, अब इसे रन करते हैं। तो अब की बार हम कहते हैं टिम कुक। तो देखिए दोस्तों कॉपी तो हुआ लेकिन जो भी लेटर्स थे वो अपर केस में कॉपी हुए हैं। अब हमारे कई दोस्तों के मन में आता है कि स्लेजी रूम में मैन्युअली क्यों इंसर्ट किया, इसको हटा दिया जाए। इसे हटा दिया हमने, अब फिर से रन करते हैं और रन करते हैं और अब की बार हमने कहा सुंदर पिचाई, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ओरिजिनल स्ट्रिंग तो सुंदर पिचाई प्रिंट हो गई, कॉपीड भी सही कॉपी हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने स्लैश जीरो इंसर्ट नहीं किया तो बाकी जो लोकेशन थी वहां पे जो जंकी डेटा था वो डेटा भी प्रिंट हो गया, जिस कारण से हमें मैन्युअली स्लैश जीरो इंसर्ट करना पड़ता है जिससे कि सिस्टम को पता चल जाए कि स्ट्रिंग अब यहाँ रोकनी है। इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं और अब की बार हम इनपुट करते हैं सत्या नडेला। तो सिस्टम कह रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग है सत्या नडेला और जिसमें कॉपी किया वो भी सत्या नडेला है। तो आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम सीखे फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए अपर केस लोअर केस के, वो सभी लॉजिक्स हम कॉपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने भी सीखा कि कैसे किसी स्ट्रिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्पेस बनाया था एडिशनल लॉजिक का और हमने यहाँ पे एडिशनल लॉजिक सीखा कि हम कॉपी तो करना चाहते हैं लेकिन अपर केस में। अब इसी तरह से आप घर में क्या ऐड कर सकते हैं दोस्तों, सिमिलरली वी कैन कॉपी स्ट्रिंग इन लोअर केस, जस्ट चेंज इफ कंडीशन।
एंड फॉर्मूला, मैंने आपको काफी दिन पहले फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि लोअर केस में हम कन्वर्ट करना चाहे तो अपर केस में 32 ऐड कर देंगे, तो सिंपली वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। हमारे किसी फ्रेंड ने पूछा ट्रिम करने का, कि कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग ट्रिम हो जाए, जैसे हमने इनपुट किया अजय कुमार शर्मा, साथ साथ में इनपुट करना पड़ेगा स्टार्ट, कि कहां से ट्रिमिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए काउंटिंग करें, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फिफ्थ इंडेक्स है दोस्तों। कहां तक कट करना है, ये फाइव है, सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन, नाइन तक कट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, हमें आउटपुट मिलेगा अजय शर्मा। तो आपको स्ट्रिंग तो इनपुट करनी है, लेकिन साथ साथ ट्रिमिंग की पोजीशन देनी है कि ट्रिम कहां से स्टार्ट हो और ट्रिम कहां से एंड हो। तो हमने जो लोकेशन थी वो काउंट करके उतना पोर्शन रिमूव कर दिया। तो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी स्टार जीरो और स्टार वन, तो वहां पे चेंज करना होगा। तो स्टार जीरो में क्या ऐड होगा, हम स्टार जीरो में ऐड करेंगे इंटीजर स्टार्ट और एंड, और फिर यूजर से एक मैसेज में कहेंगे प्रिंट एफ एंटर ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम एंड लोकेशंस इंडेक्स या जो भी आप देना चाहें, और फिर स्कैन एफ। अब हम दो इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं परसेंटी लगा के, तो एक स्टार्ट में चला जाएगा और एक एंड में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगा दोस्तों स्टार वन में, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर आई स्टार तक नहीं पहुंचा है तो कंटिन्यू। आपको याद होगा कंटिन्यू में आपको स्टेटमेंट पढ़ाया था मूव बैक टू स्टार्ट ऑफ सराउंडिंग लूप। मैं कंप्यूटर से कह रहा हूं कि कंप्यूटर जब तक कि आई स्टार्ट पे नहीं पहुंचा है तब तक लूप चलता है, वापस बैक होता जाए। ऐसी दूसरी कंडीशन ऐड होगी दोस्तों इफ आई ग्रेटर देन एंड, हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का काम था लूप को टर्मिनेट करने के लिए। तो सिंपली अगर हम अपने ओरिजिनल प्रोग्राम में ये दो कंडीशन ऐड कर दें तो यही प्रोग्राम ट्रिम का भी बन सकता है। जैसे मैं कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया वैसे ही रिवर्स ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। कैसे परफॉर्म होगा उसका लॉजिक आपको मैं समझा देता हूं और प्रोग्राम आपको ट्राई करना होगा। हमेशा की तरह हमने एक स्ट्रिंग मान ली एन और क्योंकि हमें रिवर्स करना है किसी दूसरी स्ट्रिंग में तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया एम। हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेंगे तो इससे इनपुट परफॉर्म हो जाएगा। आपको मैंने लेंथ फाइंड करना सिखाई हुई है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एन। माना कि हमने एन में इनपुट किया वो जय, हालांकि हम कोई बड़ी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। हमने एक फॉर लूप सीखा था फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेके
जब तक कि n के i में स्लैश जीरो ना आ जाए, i प्लस प्लस तो कंक्लूजन निकलेगा कि जब लूप कंप्लीट होगा तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। तो दोस्तों आई यहां क्यों रुकेगा 3 पे, हालांकि अगर कोई बड़ी स्ट्रिंग होती तो आई कहीं और रुकता। तो जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो आई आ जाएगा 3 पे। अब हमें रिवर्स में कॉपी करना है। अब क्योंकि रिवर्स में कॉपी करना है तो दो वेरिएबल्स मेरे पास हैं, एक तो एन है जिसमें जय है, जीरो वन टू थ्री, और यहां आई बैठा हुआ है। तो क्योंकि हमने फिर से फिगर बनाते तो आई को हम यहां से हटा के यहां से रिप्रेजेंट कर सकते कि हाँ अब आई यहां पहुंच चुका है। तो जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो आई यहां आ चुका होगा। हाँ बस एक और स्ट्रिंग है एम, अब यहां पे भी इंडेक्स है 0 1 2 3। हमें अब यहां पे दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। माना कि ये वेरिएबल जे है और यहां पे हम एक वेरिएबल के ले लेते हैं क्योंकि हमें ऐसे कॉपी करना है दोस्तों उल्टे ऑर्डर में। तो के आगे बढ़ता जाएगा और जो जे पीछे आता जाएगा, जो भी आई की पोजीशन है उसे एक पीछे जे है। तो टेक्निकली जे आई माइनस वन के बराबर है जो रिप्रेजेंट करता है लास्ट लेटर को, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लैश जीरो से जो एक पहले वो लास्ट लेटर है और के जीरो है दोस्तों जो फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स। बस अब तो काम बड़ा आसान हो गया। हम सिस्टम से कहेंगे सिस्टम आप तब तक लूप चलाइए जब तक कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमें पीछे की तरफ बढ़ना है और सिंपली हमें कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करना है दोस्तों, हमें एम के इंडेक्स में कॉपी करना है। देखिए एम का के इंडेक्स किसको कॉपी करना है, एन के जे इंडेक्स को। तो पहली बार जे क्या है 2, के क्या है 0, तो यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब समय के साथ साथ आपको डिसाइड करना है कि के में क्या होगा। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ। अब क्योंकि आप लोग काफी इंटेलिजेंट है तो आप समझ गए कि के यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है दोस्तों और जे पीछे आ रहा है। तो टेक्निकली जे 2 था, फिर 1 था, फिर 0 था। तो जैसे ही लूप चलता जाएगा तो पहले आई कॉपी होगा, फिर ए कॉपी होगा, फिर के कॉपी होगा, लेकिन क्या कॉपी नहीं होगा, स्लैश जीरो। तो हमें मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ेगा स्लैश जीरो। तो हम लिखेंगे एम के आई इंडेक्स पे स्लैश जीरो। अब आप कहेंगे सर आई इंडेक्स क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर्स भी करें तो भी लेंथ तो वही रहेगी। अब क्योंकि लेंथ वही रहेगी तो यहां पे हमें स्लैश जीरो कॉपी करना पड़ेगा, तो यहां पे स्लैश जीरो कॉपी हो जाएगा। अंत में हम प्रिंट करवाएंगे दोस्तों, हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा एन को और साथ साथ एम को। अब काफी दिन पहले मैंने आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सिखाई थी कि अगर कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसकी रिवर्स मैच हो जाए तो उसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे। लेकिन जब आप चैनल पे देखेंगे तो चैनल पे मैंने एफिशिएंट वे सिखाया हुआ पैलिंड्रोम का। तो आप लोग इस वीडियो को या इस प्रोग्राम को देखेंगे चैनल पे कि कैसे हम इसी प्रोग्राम को यूज करके इफेक्टिवली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं।
दोस्तों हम यहाँ पे कॉपी कर रहे थे, तो कॉपी में यहाँ पे ए आई के नहीं, कॉपी होगा ए सॉरी आई ए जे, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग इनपुट की था उसका रिवर्स यहाँ पे कॉपी हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने सीखा था कि कैसे हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन तब हमने जो तरीका यूज किया था वो एफिशिएंट नहीं था दोस्तों। तब हमने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया था, हमने पहले स्ट्रिंग को कॉपी किया था एम में, फिर हमने रिवर्स किया था, फिर हमने कंपेयर किया था। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट थे स्ट्रिंग डॉट एच में, लेकिन कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो कैंपस में कहा जाएगा कि हमें पैलिंड्रोम तो चेक करना है, लेकिन किसी बिल्ट इन लाइब्रेरी का यूज नहीं करना है। तो जब भी हमें इंटरव्यू में कहा जाएगा तो हमें इस टेक्निक से प्रोग्राम बनाना होगा, जिसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है कि कैसे हम एफिशिएंट वे में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं। अब हम वर्क करना चाहेंगे वन डी एरे के साथ जो इंटीजर पे बेस्ड होगा, और आपको मैं सिखाना चाहूंगा सीक्वेंशियल और लीनियर सर्च। हमारे कई फ्रेंड का एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में भी ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। अब देखिए डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, फाइंडिंग गिवन एलिमेंट इनसाइड एन एरे बाय ट्रेवर्सिंग स्टार्ट टू एंड टिल आइटम फाउंड और द लिस्ट गेट एग्जॉस्टेड या कंप्लीटेड। तो कैसे डिजाइन करेंगे वो हमें सीखना होगा। अभी मैं मेथड फर्स्ट सिखा रहा हूं बाय मेंटेनिंग अ काउंटर। हम काउंट करेंगे कि जो वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं वो कितनी बार मिली, अगर जीरो बार मिली यानी वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो कैसे ये वर्क करता है इसका हमें फिगर सीखना होगा। माना कि साइज है 4 और हमें एक एरे दिया गया है जिसमें रैंडमली कुछ डेटा है। जैसे 14, 7, देन 15 एंड देन 2। और हम यूजर से पूछेंगे एंटर वैल्यू टू फाइंड। आपको क्या ढूंढना है, तुमने कहा मुझे 15 ढूंढना है। अब इसको हम एक वेरिएबल n में स्टोर कर लेंगे। अब जैसा कि सीक्वेंशियल सर्च की डेफिनेशन है, हम सीक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करेंगे। हालांकि सीक्वेंशियल सर्च हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, जब हमने स्लैश जीरो को ढूंढा था, तो स्लैश जीरो को जो ढूंढने का तरीका था वो भी सीक्वेंशियल सर्च था, क्योंकि हम स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंड तक ट्रेवल करते थे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल आई आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ ए आई आ जाएगा, और हर बार हम ए आई से पूछेंगे कि क्या आप एग्जैक्टली n के बराबर हो। अगर एग्जैक्टली आप n के बराबर हो तो उस केस में काउंट प्लस प्लस। आज हमने अल्फाबेट्स फाइंड किए थे तो वहां पे भी मैं सीक्वेंशियल सर्च परफॉर्म किया था। इनिशियली हम काउंटर को जीरो मान रहे हैं, अब पहली बार आई जीरो है, लेस देन साइज कंडीशन ट्रू,
अब ए जीरो, अब ए जीरो पे क्या है 14, क्या 14 एग्जैक्टली इक्वल टू 15? फॉल्स, तो कंप्यूटर यहां नहीं जाएगा, नेक्स्ट टाइम आई होगी 1, लेस देन साइज यस। अब ए 1 पे क्या है 7, क्या 7 एग्जैक्टली इक्वल टू 14? 15 फॉल्स, तो यहां जाने की जरूरत नहीं है। आई हो गया 2, लेस देन साइज कंडीशन ट्रू, यहां मिला 15, क्या 15 एग्जैक्टली इक्वल टू 15? कंडीशन ट्रू, तो काउंटर बढ़ के 1 हो जाएगा क्योंकि वो यहां जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आई होगी 3, मिला 2, 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 15? फॉल्स, तो यहां जाने की जरूरत नहीं है, अब लूप स्टॉप हो जाएगा। अब लूप के बाद में भी कंडीशन देंगे कि क्या काउंटर ग्रेटर देन जीरो हो गया है। अगर काउंटर ग्रेटर देन जीरो है दोस्तों तो फाउंड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे काउंटर कितना है 1, यानी वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन अगर काउंटर एग्जैक्टली जीरो होता दोस्तों तो उस केस में कहते हैं हम नॉट फाउंड। तो कंक्लूजन निकला कि सीक्वेंशियल सर्च में हमने स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रेवर्सल किया और काउंटर मेंटेन किया, जैसी वैल्यू मिल गई तो हमने काउंटर को इंक्रीज कर दिया जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने लॉजिक समझ लिया है तो हम अब इसको लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम करना चाहेंगे। तो हमेशा कितना हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जैसे हमने साइज डिफाइन किया हुआ 4, आप इसे बढ़ा दीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। फिर मेन फंक्शन, यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे नहीं इंटीजर एरे पे वर्क कर रहे हैं, हालांकि कैरेक्टर एरे पे भी वर्क किया जा सकता है जैसा कि हमने स्लेजीरो को फाइंड किया था। और अब हम एक लूप परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि हम इनपुट ले पाए। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एंटर एलिमेंट ए परसेंट डी। वन डी एरे में हमने पहले भी इनपुट करना सीखा हुआ है कि कैसे वन डी एरे में इनपुट करवाया जाता है। हमने काफी दिन पहले सीखा था दोस्तों गो टू स्टेटमेंट, यहां पर मैं गो टू स्टेटमेंट का भी यूज करना चाहूंगा। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू टू सर्च, हम यूजर से पूछेंगे कि कौन सी वैल्यू ढूंढना चाहता है। और लॉजिक में हमने उसके लिए वेरिएबल एन यूज किया हुआ है तो यहां पर हम वेरिएबल एन यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सीक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करेंगे, तो सीक्वेंशियल सर्च का लॉजिक क्या करें कि हमें स्टार्टिंग से लूप चलाना है एंड तक। तो फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, अब कंडीशन क्या लिखी हुई है, हर बार हम एआई से पूछें कि क्या आप एग्जैक्टली एन हो, क्या क्या एआई यानी जो करंट डेटा है क्या वो एग्जैक्टली एन से मैच कर गया, एन में समझो ढूंढना चाहते हैं। अगर मैच कर गया तो उस केस में मैसेज प्रिंट हो कुछ ऐसा, प्रिंट एफ परसेंट डी फाउंड एट इंडेक्स परसेंट डी। तो हम ढूंढ रहे थे एन जो कि आईथ इंडेक्स पे मिल चुका है, साथ साथ काउंटर को हम प्लस करना चाहेंगे। तो जब जब हमें डेटा मिल जाएगा तो हम मैसेज भी प्रिंट करेंगे, काउंटर को भी इंक्रीज करेंगे। ये एंड ऑफ लूप हो गया। अब लूप के एंड में क्या करना है, हमें एक इफ कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ काउंटर ग्रेटर देन जीरो तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी फाउंड परसेंट डी टाइम्स। तो क्या ढूंढ रहे थे, एंड ढूंढ रहे थे जो कि काउंट नंबर ऑफ टाइम्स हमें मिल चुका है, नहीं तो हम कहेंगे सॉरी परसेंट डी नॉट फाउंड।
और हम क्या ढूंढ रहे थे, एन ढूंढ रहे थे। अब ये लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम तैयार है, हमें कुछ वेरिएबल्स यहाँ ऐड करने होंगे। तो हमने क्या क्या वेरिएबल यूज़ किए, हमने वेरिएबल यूज़ किया आई और हमने यूज़ किया काउंट्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 टू एग्जिट इफ एन एग्जिट लिख लो -1 तो उस केस में रिटर्न 0, टर्मिनेट प्रोग्राम। या फंक्शन, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट की मदद से मैं प्रोग्राम को रिपीटेडली चलाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ गो टू बिगिन। तो दोस्तों ये प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा और निकलने का बस एक ही तरीका है कि आप क्या प्रेस करें -1। हालांकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज़ ना करूँ तो भी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन एक ही बार। लेकिन हम चाहते हैं प्रोग्राम बार बार चलता रहे जब तक हम खुद बाहर ना निकलना चाहें। तो चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने और यूज़ किया है एन, तो जो जो वेरिएबल्स यूज हुए वो डिफाइन करने पड़ेंगे। अब सब कुछ होके अब इसे रन करते हैं। तो पहले तो मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है, जैसा कि हमने देखा था 14, 2, 15, 7। सिस्टम कह रहा है कि क्या ढूंढना है, तुमने कहा मैं कुछ भी ढूंढना नहीं चाहता, मैंने -1 प्रेस कर दिया तो बाहर आ गए। बाहर आने का एक ही तरीका है दोस्तों, फिर से इसे रन करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में डेटा डाला जा सकता है। हमसे कहा गया वैल्यू टू सर्च, तो हमने कहा हमें 1 ढूंढना है। तो सिस्टम कह रहा है कि जो 1 डेटा है वो एग्जैक्टली 1 इंडेक्स पे है, लेकिन यहाँ पे मैसेज सही नहीं आ रहा है क्योंकि काउंटर गलत चल रहा है। तो काउंटर इक्वल टू 0 हमने किया ही नहीं है शायद, तो यहाँ पे आना चाहिए था काउंट इक्वल टू 0। इनिशियलाइजिंग काउंटर, तो क्योंकि काउंटर इनिशियलाइज नहीं तो हमें गलत आंसर प्रिंट होगा। हमने इसे फिर से कंपाइल किया और फिर से रन करते हैं। फिर से हमें कुछ इनपुट करना होगा, हमने कहा 12, 2, 12, 5 वैल्यू टू सर्च, हमने कहा 12। तो सिस्टम कह रहा है कि 12 दो बार आया है, एक तो इंडेक्स 0 लोकेशन पे और एक बार इंडेक्स 2 लोकेशन पे। अब फिर से कह रहा है वैल्यू टू सर्च, तो थैंक्स टू बिगिन हमने गो टू स्टेटमेंट यूज किया, तो गो टू स्टेटमेंट हमें वापस यहां लेके आया बिगिन पे, जिससे कि फिर से सिस्टम उसे कह रहा है एंटर वैल्यू टू सर्च। अब की बार हमने कहा 5, तो सिस्टम कह रहा है कि 5 है लेकिन किस इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे है। अब हमने कहा 99, तो सिस्टम कह रहा है सॉरी 99 तो कहीं भी नहीं है। और फिर हम बाहर निकलना चाहें तो -1, नॉट कंपल्सरी कि -1 पे बाहर निकलें, आप कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं जिस पे आप प्रोग्राम को रोकना चाहें।